ऑटो बिक्री जो उसमें करीब 30.18% के आसपास की गिरावट हुई है, पैसेंजर व्हीकल्स में 10% की गिरावट, टू व्हीलर करीब 33% गिरे हैं, इसके अलावा थ्री व्हीलर्स में 57% की गिरावट है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में 19% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है और इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर की बिक्री में करीब 83-84% के आसपास मंथ ऑन मंथ बढ़ोतरी देखने मिली है। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस इस कंपनी ने कंपनी के साथ कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सिस्टम के लिए करार किया है। कैडिला एनीलाइन हेल्थ कारोबार जो है उसको बेचने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। 2921 क्रोस में कंपनी इसको स्लम सेल बेसिस पे बेचेगी। भारतीय एयरटेल अफ्रीका के नंबर्स आए हैं, जहाँ पे कंसोलिडेटेड मुनाफा $9.5 से बढ़ के करीब $13.2 पे आया है और अफ्रीका की आय है $103.4 से बढ़ के $103.8, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही रही है। इसके अलावा दीपम के हवाले से एक खबर आई है कि सभी छोटी बड़ी जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो फिलहाल सही रास्ते पे चल रही है। दरअसल बाजार में बातें चल रही थी कि शायद ये थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन आया है कि ऐसा कोई भी डिले नहीं हो रहा है। ब्लॉक डील्स हुई है BHEL में 35 लाख शेयर्स की, इसके अलावा PNB में 14 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए। ओके, तो यहाँ पर हैं आपके लिए कुछ खबरें और कुछ ब्लॉक डील्स भी आपको होते हुए दिख रहे हैं। BHEL स्पेशली लगातार हम देख रहे हैं बड़े बड़े सौदे इस काउंटर पर होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए अनिल जी, स्पेशल पहले तो स्टॉक बताते हैं अनिल जी, स्टॉक है CESE है, स्पेशल पिक वाला स्टॉक। और स्पेशल ये है कि पीछे जब हमारे मित्र विकास सेठी जी ने इसको रिकमेंड किया था, उसके बाद एक बड़ा डिविडेंड आया था और उसके बाद डिविडेंड के बाद स्टॉक में एक बड़ा गैप बना था, स्टॉक करेक्टिव मोड में गया था डिविडेंड के बाद। अब स्टॉक दोबारा से 720 तक जाने के लिए तैयार है, तो जो बड़े डिविडेंड का एक बड़ा गैप चार्ट पे बना हुआ है उस गैप को फिल करने जा रहा है स्टॉक। 720-725 के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। तो CESE स्पेशल पिक वाला स्टॉक, ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म छोड़कर के थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखें CESE का, तो आप देखते हैं कि साल सवा साल से CESE लगातार एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और ये दायरा जो है 665 रुपए ऊपर और नीचे लगभग 600 रुपए का है, यानी कि 10वीं सदी के दायरे में स्टॉक ने लगभग एक साल बिता दिया। और अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, 660 के ऊपर काफी फोर्स के साथ स्टॉक निकला है। तो देखिए, जो पहला टारगेट चार्ट पर बनता है वो 730 रुपए का, 730 का टारगेट है, तो ये एक बड़ा अग्रेसिव टारगेट है जिसके लिए बाय करना है। दूसरा टारगेट 750 रुपए का है, तो 730-750 का टारगेट होगा और 660 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर CESE में हमारी खरीदारी करें है। और खरीदारी करने की राय है वेदांता के फ्यूचर्स में, 290 वोडाफोन आईडिया ने वेदांता के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है और ये 290-291 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यहां पर खरीदारी करने की राय है। कल आने वाले हैं नतीजे और इन नतीजों के लिहाज से इसमें खरीदारी करने का मौका बनता है। नतीजों के पहले आज आप देखिए हिंदुस्तान जिंक जो इनकी सब्सिडी कंपनी है उसमें बड़ा एक्शन आता हुआ दिखा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से मेटल कंपनियों के तगड़े रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं ऐसे ही दमदार रिजल्ट्स आपको कल वेदांता के देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह का मुंह बाकी कई सारे मेटल स्टॉक्स हैं, चाहे वो JSP ले लें, JSW स्टील ले लें या आयरन ओर वाली NMDC जैसी कंपनियां ले लें, इनमें जो मुंह आता हुआ दिखा वैसा ही बड़ा और तगड़ा मुंह आपको वेदांता में भी आते हुए दिख सकता है। आपका किसी भी प्राइस का स्टॉक है और आपके पास होल्ड करने की ताकत है तो आप निश्चित तौर पर पैसा बनाएंगे। फिलहाल जो छोटे टारगेट हैं वो है 300-305 रुपए के आज और शुक्रवार के लिए। इनफैक्ट शुक्रवार को अच्छे नतीजे आए जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, जो कि सारी मेटल कंपनियों से उम्मीद करना वाजिब है, तो ऐसे में 312-320 ये सारे टारगेट है। और आपको याद होगा 320 का टारगेट इवेंचुअली हमें वहां तक पहुंचना है जो LIC ने खुद अपने वेदांता के शेयरों के लिए टारगेट रखा है। तो 300, 305, 312 और 320 ये हैं टारगेट जिसके लिए वेदांता में खरीदारी करनी है। और अगर आपको लगता है रिजल्ट के हिसाब से जिन्हें रिस्क कम रखनी है वो 300 रुपए वाला कॉल ऑप्शन भी खरीद सकता है जो 12 रुपए में मिल रहा है। आप 300 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीद लें 12 रुपए में और 320 वाला कॉल ऑप्शन आप भेजें। जय मुझे बताएंगे, जय 320 वाला कॉल ऑप्शन कितने में ट्रेड हो रहा है, ताकि अगर किसी को हेजिंग करने के लिए आज से करना है तो 300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर 12 रुपए में 320 का बेचकर वो हेजिंग भी कर सकता है ताकि वो उनकी पोजीशन भी खड़ी हो जाए, दोनों तरह से हो सकता है। कंपनी है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, कंपनी का नाम है AIA इंजीनियरिंग, जो कि अभी 1900 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये अहमदाबाद बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो कि पावर सेक्टर, सीमेंट और माइनिंग इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट हाई क्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये,
और जिस तरह से जिस तरह के इसके फंडामेंटल्स हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जल्दी कमाल कर सकता है। ये कंपनी 40 साल से एग्जिस्टेंस में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 24%, रिटर्न से करेक्ट होकर स्टॉक अभी 1900 के लेवल पे ट्रेड करता है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1975 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 1860 का। 1860 का स्टॉप लॉस, 1975 का टारगेट, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय।